पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद सौरभ को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 49 साल के सौरव गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर लगातार उन पर निगरानी रखे हुए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के बढ़ते संकट के बीच ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है। बता दें कि इससे पहले साल की शुरुआत में भी खराब तबीयत होने के कारण सौरव गांगुली को यहां अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। जनवरी 2021 में सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। सौरव गांगुली को तब एक महीने में 2 बार एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी थी। वहीं हालांकि उसके बाद वह ठीक हो गए थे और लगातार काम कर रहे थे। सौरव गांगुली के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर फैंस द्वारा चिंता व्यक्त की गई है।